आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बंधे रहने के लिए। और डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी के इस कॉन्क्लेव के सत्र के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकल भट्ट और ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं हमारे मंच पे जो हमारे अतिथि है जीवीएल नरसिम्हा राव जी, उनका आदर और उनका नमस्कार करती हूं, आपका वेलकम करती हूं। आपका नरसिम्हा राव जी भाजपा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, स्पोक्सपर्सन है, बहुत ही माने हुए और जाने हुए टीवी चैनल का फेस भी रहे हैं, अभी भी हैं। और इस कॉन्क्लेव में कुछ कड़े सवाल हैं विपक्ष की तरफ से और कुछ कुछ काशी की जनता की तरफ से भी। तो एक सिंपल सा जो एक परसेप्शन है नरसिम्हा राव जी, पूछ रहे हैं या काशी की जनता ये पूछ रही है कि यहाँ के लोकल नेता कहाँ हैं, यहाँ के लोकल नेताओं का नाम, उनकी प्रेजेंस, यहाँ का जो कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट्स है। मैं भी कल दो तीन दिन से काशी से रिपोर्ट कर रही हूँ, वो विजिबिलिटी फैक्टर नहीं है। और एक कंपैरिजन बार बार आ रहा है जीवीएल जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मैजिक पे कितना आप डिपेंडेंट रहेंगे, विपक्ष बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ है? आपको और सभी दर्शकों को, दूरदर्शन के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे पास ऐसे दो बड़े नेता हैं, विश्व के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इतने बड़े नेतृत्व होने के कारण आप चाहे, हमारे विपक्ष तो चाहती ही नहीं है क्योंकि उनके पास न कोई नेता है न कोई, उनके पास जमीन पर कुछ दिखाने के लिए कोई पूर्व का काम है। हमारे पास क्षेत्रीय विधानसभा के स्तर पर उम्मीदवार हैं, हमारे 303 से ज्यादा सीट विधायक जीत कर आए थे, हमने लगभग सभी को, ज्यादातर लोगों को रिपीट किया क्योंकि हमारे विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी रही, हमारी सरकार की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी का असर आप केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो उनके विकास की जो कार्य है पूरे देश में आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास तीन स्तर के नेता है, विश्व स्तर के नेता, प्रदेश के नेता और क्षेत्र के नेता और विधानसभा के नेता, इसलिए हमारे विपक्षी दल हमसे जलते हैं। और ये कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके देश के नेता या प्रदेश के नेता विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं। ये जो कंपैरिजन 5 साल पहले भी ये जब बात हुई थी कि वो जो वोट मिला था वो प्रधानमंत्री जी का था लेकिन उससे उत्तर प्रदेश को फायदा मिला, तो ये बार फिर से यहाँ पे आ रही है कि क्या आपको अपने स्थानीय नेताओं पे क्या भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार 2014 से रही है, बट लेकिन जो 2014 से 17 तक उस गति से विकास नहीं हो पाया जो 2017 से हम देख रहे हैं, इसका कारण है कि दोनों प्रदेशों, दोनों स्तर पर अभी भाजपा की सरकार है। और जो विपक्षी दल जो हमारे बार बार हमारे ऊपर अटैक करते हैं वो अपने ही एक तरह की अपनी कमियों को, खामियों को बचाने की, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारे विधायक पर हमें पूर्ण भरोसा है, बट लेकिन हम ये चुनाव जो है हमारे नेतृत्व के बल पर लड़ रहे हैं। हमारे काम जो 5 साल में जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में उसके बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं। 8 साल में मोदी जी के सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश को जो विकास की गति मिली है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को आपत्ति लेकिन है, लेकिन हम अभी विपक्ष की नहीं, अगर काशी की जनता की बात करें तो उम्मीदें हैं जो हमें समझ में आया, जो हमने बातचीत की और जो सेंस एक बना यहाँ पे, मैं जो लोगों से बात कर रही हूँ, जमाना गया कि लड़कियां डरती थी रात को बाहर आने में, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी भी है, उम्मीदें हैं लेकिन नाराजगी ये है कि क्या 5 साल में, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी सर, कि जुडिशरी के कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिली तो वो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसीज कहाँ हैं, हम पेपर दे के वेट कर रहे हैं, वेर आर जॉब्स कहाँ हैं। आपके योगी जी ने प्रॉमिस किया, लाखों के लाखों जॉब्स का प्रॉमिस किया, लेकिन वो नौकरियां हैं कहाँ पे? देखिए, ये विपक्ष की एक नैरेटिव है, सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो CMIE का सर्वे है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे,
सीएमआई अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कहता है, जो कोई सरकार का सर्वे नहीं है, विपक्ष हमारे जो विपक्षी दल है कांग्रेस अक्सर सीएमआई को कोट करते हैं क्योंकि उनको उसमें कहीं ना कहीं अपने सुविधा के अनुसार शायद आंकड़े मिलते हैं, बट लेकिन सीएमआई की डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं देश में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाली प्रदेश है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे कम 3%। मैं अभी के फरवरी की जनवरी की डेटा को कोट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा राज्यों में पंजाब राजस्थान है जो कांग्रेस के सरकारें हैं वहां पर 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसलिए नैरेटिव बनाने की कोशिश है बिल्कुल ये गलत है। तो भाजपा का ये कहना है कि एक जो नौकरियों को लेके जॉब्स को लेके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, लेकिन क्या आप ये भी मानेंगे कि एक नैरेटिव है? वो कह रहे हैं कि एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट देखें ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन नीचे गया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट अगर महिलाओं के जो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसकी बात करें तो। क्या वो भी एक नैरेटिव है? हर तरह का क्राइम आप किसी भी श्रेणी को देखिए, पिछले 5 साल में योगी जी के सरकार के कार्यकाल में कम से कम 40% या 50% गिरा है। ये क्या सरकार की कोई ये कोई अचीवमेंट नहीं है? हर नागरिक आप मैं सपा का भी वोटर को आप पकड़िए, मैं बता रहा हूं वो भी मानेगा कि कानून व्यवस्था पहली बार उत्तर प्रदेश में कई दशकों के बाद एक कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी तब भी एक ऐसी स्थिति थी, उसके बाद केवल अब कानून व्यवस्था मेंटेन्ड है और लड़कियां सुरक्षित शहर में घूम सकती है गांव में घूम सकती है। पहले स्थिति नहीं थी, पहले वाराणसी माफिया के लिए अड्डा माना जाता था, ये माफिया का कैपिटल था और जेल में बंद रहकर लोग यहां लूटते थे और सभी तरह के मंडियों से पैसा उठाते थे, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर। सबसे बड़ा कारोबार यहां फिरौती, सबसे बड़ा कारोबार था यहाँ गुंडागर्दी माफिया का वसूली, यही यहाँ की स्थिति थी। पिछले 5 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा पैसा मांगने की, तो ये क्या जनता के लिए इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है, जनता की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इसके साथ साथ मोदी जी के कार्यकाल के मोदी जी के सरकार के गाँव में आप जाइए, किसी भी गाँव में जाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ किसी भी गाँव में जाइए, आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ हर वर्ग को मिला है, दलित को मिला है, पिछड़ों को मिला है, मुसलमानों को मिला हुआ है। मैं इस सपा से और बसपा से कांग्रेस से मैं उनको चुनौती देता हूं, इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें सरकार ने मोदी जी के सरकार केंद्र में या योगी जी के सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव किया हो, वो एक टोटलिटेरियन किसी भी प्रकार का भेदभाव, ये सपा की सरकार मैं दिखा सकता हूँ हर विषय में भेदभाव किया था। वो तो बुलडोजर चलाने वाली सरकार और गुंडा राज सरकार, ये भी आप कहेंगे कि नैरेटिव है जो सपा या कांग्रेस या बसपा बना रही है बीजेपी के खिलाफ? देखिए गुंडों के साथ और माफिया के साथ कानून के तहत किस प्रकार व्यवहार करना है ये हमारे पार्टी और हमारे नेता बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिरयानी खिलाना माफिया को या गुंडों को, उनको नरमी से पेश आना या रेप करने वालों को बच्चे कहकर उनको बचाना, ये हमारे पार्टी के उसूलों में नहीं है। तो इसलिए ऐसे उसूल रखने वाले पार्टियों को कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। हमारे दर्शकों का 4 सेकंड के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, जो हमारे पीछे काशी गंगा की गोद से हम ये लेके आ रहे हैं आप तक ये दृश्य, पीछे भजन कीर्तन चल रहा है, काशी की जितनी भी तारीफ की जाए यहाँ की बात कुछ और ही है, लेकिन वो जो इलेक्शन फीवर नरसिम्हन जी हम बात कर रहे हैं ये आस्था है और ये यहाँ पे आस्था वर्सेस डेवलपमेंट है। क्या यहाँ का जो वोटर जब वोट देने जाएगा पूर्वांचल से जो हवा चली आई पिछले चरणों को लेके यहाँ पर सिमट के रह जाएगी, ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है, लास्ट लिटमस टेस्ट है, ये भी है काशी और इलेक्शन भी होंगे काशी में, तो कौन सा नैरेटिव होगा जो डोमिनेंट रहेगा? देखिए मैं इसको अलग नहीं देखता हूँ, आस्था और विकास दो पहलू नहीं है, आस्था के नाम पर विकास हुआ है, आस्था के जरिए भी विकास हुआ। तो आप इसको विकास कहते हैं? क्यों नहीं, क्या भारत की मूल संस्कृति को भी आगे बढ़ाना,
भारत की भव्य संस्कृति को उसको विश्व के सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक बड़ी बात है। ये काशी की गंगा आरती बहुत लंबे समय से होती है, बहुत प्रसिद्ध है, बट लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर आज आप देख रहे हैं, घाटों की सफाई, घाटों की सुंदरीकरण, गंगा मैया की जो सफाई जो हुआ है, और जो प्लांट जो लगाए गए हैं यहाँ सैनिटेशन के लिए, जो भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहाँ मैं दर्शन करने का कल पर बड़ा भाग्य मिला, वहां जाने से बिल्कुल आपको हजार साल पहले कैसा होती ये थी? जो वोट आएगा ये काशी विश्वनाथ धाम के नाम पे वोट है, ये डेवलपमेंट के नाम पे वोट है, ये जो काशी की सूरत और सीरत जो चमक धमक पिछले 5 साल में जो काशी की काया पलट हुई है, क्या ये उसका वोट है? ये कौन सा वोट है? भारतीयता पर, विकास पर ध्यान देना और भारतीयता को कायम रखना, ये हमारे लिए एक बड़ी, एक केवल राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारा विचारधारा है, सांस्कृतिक कल्चरल नेशनलिज्म हमारा एक विचारधारा है, और देश की जनता इसको बखूबी समझ रही है, अच्छा महसूस कर रही है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे, और ये पॉइंट पे मैं अगर कुछ सवाल भी हो तो हम ले सकते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म की आपने बात की, तो ये कल्चरल नेशनलिज्म क्या भाजपा की राजनीति को उत्तर प्रदेश में डिफाइनिंग पॉइंट है कल्चरल नेशनलिज्म? और वोटर के मन में क्या है जब वो वोट करने जाएगा? उसको नौकरी चाहिए? वो इंडस्ट्रीज पूछ रहे कि इंडस्ट्रीज कहाँ है यहाँ? वोटर इसलिए भाजपा के तरह पूरी तरह उनका झुकाव इसलिए है, हम 300 से ज्यादा सीट वैसे ही नहीं जीतते हैं, 300 इस बार भी हम पार करेंगे 300 के आंकड़े, और उसका प्रमुख कारण यही है कि उनको जो जनता को जो चाहिए हर स्तर पर, विकास दिया हमने, हमने ग्रामीण विकास किया है, नौकरियां पैदा किया है, बिजली शायद आप 5 साल पहले यहां आती थी तो इसके 15 मिनट के अंदर दो बार बिजली जा चुकी होती, यहां 24 घंटा बिजली मिल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। ये बिजली की चमचमाती चमक देखिए, तो ये हर स्तर पर विकास, और उसके आगे जो एक सेक्युलरिज्म की धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस देश में जो वोट बैंक राजनीति हुआ है, उस वोट बैंक राजनीति को खत्म करने का काम हमने किया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह केवल नारा नहीं, ये हकीकत में हमने धरातल पर उतारा है। एक पलटवार है, एक पैराडाइम शिफ्ट है कि आप कह रहे हैं कि वोट में हम कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे, पोलराइजेशन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। दोबारा मैं काशी पे आना चाहूंगी, यहाँ पे वो सब समीकरण आपके नहीं चलेंगे, कास्ट के, पोलराइजेशन के? देखिए, कुछ राजनीतिक सच्चाइयां हैं, एक सभी समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए आपको सबका साथ वाली राजनीति करना है, हम वो करते हैं। हमारे जो विरोधी हैं वो केवल कुछ कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, MY कॉम्बिनेशन, ये मीडिया में लगातार चलता है, तो ऐसा हम किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक जाति के लिए, हमारे लिए सारा उत्तर प्रदेश, हम सभी के लिए काम करते हैं, विकास में किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबका समर्थन चाहते हैं, हमें मिलता भी है। अच्छा, समर्थन की बात की आपने, मेरे पास दो अहम सवाल है, एक तो जो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इलेक्शन में, तो वहां पे ये बात भी आती है कि भाजपा क्या अपने महिला प्रतिनिधियों पे उतना भरोसा नहीं करती? आपका वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी के संसद संविधान में एक तिहाई पद हम महिलाओं के लिए रिजर्व रखते हैं, देते भी हैं, क्या दूसरे पार्टियां ऐसा करती है क्या? देखिए, हमारे पार्टी में हर स्तर पर, गांव के स्तर से लेकर के मंडल के स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हम ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं, और जहां तक चुनावों में प्रतिनिधित्व की बात आती है, और मुझे कहते हुए ये कोई कष्ट नहीं है, हमें विनेबिलिटी फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आपका क्या है विनेबिलिटी फैक्टर, आप बताएंगे जनता को? विनेबिलिटी फैक्टर में उम्मीदवार की छवि और क्षमता, ये तो विपक्ष का ये भी कहना है कि इनके पास तो एक ही विनेबिलिटी फैक्टर है।
मोदी जी पे बार बार इस बात पे जो नहीं हमारे पास एक अटैकिंग पॉइंट नहीं हमारे पास कई सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री सबसे बड़े एक विश्व के नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े एक हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। इस चुनाव में कानून व्यवस्था को जिस प्रकार हमने यहाँ मेंटेन किया है, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान है सरकार का। तीसरा, धरातल पर जो दिखता है, जो विकास दिखता है, पिछले बार ये नारा था सपा का, विकास बोलता है, कभी बोला नहीं, और बड़ी हार हो गई। दो लड़के निकले चुनाव जीतने, दोनों पराजय हो गए। तो इस बार जो है बीजेपी का जीत, भव्य जीत इसलिए होने वाला है। कितनी भव्य आंकड़े? 300 पार करेगी बीजेपी का इस बार, बीजेपी का संख्या इस बार 300 पार। और अगर इस सीट की बात की जाए, जो यहाँ पे आपके जो रिपीट ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है, वाराणसी की अगर बात की जाए, जो यहाँ पे 8 सीटें हैं। नहीं, मैं एक जगह के नाम नहीं ले रहा हूँ, वाराणसी में तो 5-5 जीतेंगे इसमें। वाराणसी में आप कोई फाइट देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे विपक्ष की प्रेजेंस है? देखिए, विपक्ष की प्रेजेंस तो है, ऐसा नहीं कि एक तरफा है, लेकिन हम सारे सीट जीतने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे साथी परंपरागत तरीके से नहीं थे। ये तो आपकी प्रेस्टीज सीट हुई ना यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सारे सीट जीतेंगे। वाराणसी में लोकसभा में 5-5 हम सीट जीतने वाले हैं, और इस जिले में भी लगभग सारे सीट जीतेंगे। कुल मिलाकर 300 का संख्या पार करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास। कुल मिलाकर 300 का संख्या पार करेंगे। दो छोटे छोटे सवाल, और अगर ऑडियंस से कोई सवाल है तो वो भी हम ले सकते हैं। गंगा की शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ गंगा, और ये हमारे जो लोग जो वाराणसी या यूपी की जो जनता देख रही है ये हमारा प्रोग्राम, गंगा का पानी उसको पीने लायक बनाना पहले ये से आपका वादा था? बिल्कुल है। और कितने साल लगेंगे? देखिए, ये चुनौती इतनी बड़ी चुनौती है, लेकिन कोई भी यहाँ आएगा इतना मूलभूत परिवर्तन देखेगा जो दशकों से संभव नहीं था। हमने 3 STP प्लांट लगाए, CNG प्लांट लगाए, आज कोई भी बोट डीजल से नहीं चलती है यहाँ पर। तो हर तरह का शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, और बहुत जल्द ये हम पूरी 100% सक्सेस अचीव करेंगे। जो बार बार, लास्ट क्वेश्चन, बसपा को बीजेपी की टीम भी बार बार बोला जाता है, और सपा को, तो ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन बीजेपी इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? बीजेपी की बी टीम, हाँ, सपा नहीं, उनसे बिल्कुल नहीं बनती है भाजपा की। हम और उनमें दो तरह के पहलू है। वो गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं, हम कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। हम ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए हमारे उनसे कहीं मेल खाने की कहीं सवाल ही नहीं है। सपा भाजपा का पूर्व विपरीत यदि कोई चेहरा है वो है सपा। और आपकी जीत निश्चिंत है? वो जो वोट है वो योगी जी का है, मोदी जी का है, या वो आपके जो लोकल लीडरशिप है जो आप दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, ये उनका वोट है? अब देखिए, हमारी जीत जनता की जीत है। ये आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, तो जो आप बोलेंगे वो जनता लिख लेगी। हमारी जीत जनता की जीत है, जनता के आशीर्वाद से हम फिर एक बार बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का, हमारे विधायक का, सबका असर है, लेकिन सबसे ऊपर ये जनता की जीत है। जनता की जीत होगी, और भाजपा कह रहे कि भाजपा की जीत ही में जनता की जीत है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। एक हफ्ता है, वोटिंग होगी, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे, तो पता चलेगा कि जो आपने वायदे इस बार किए थे, क्या उसमें वो वायदे जो है आपके वोट्स में परिवर्तित हुए या नहीं। जीवीएल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।